झारखंड एक बार फिर सुर्खियों में है। 6 मई की सुबह ईडी ने रांची में जगह जगह रेड मारी, जिसके बदौलत एक चौंका देने वाली कहानी सामने निकल कर आई। दरअसल रांची में एक शख्स के घर से ईडी ने ओटो बम का हार बरामद किया और अनुमान में की रकम करोड़ों। ईडी की टीम ने नोट गिनने की मशीन और कैश वैन बुलाई। नोट गिनने की लगभग 4 मशीनें घर के अंदर जा चुकी है। वही जानकारी के अनुसार पैसे इतने हैं कि गिनते गिनते मशीन भी गर्म हो गई। नमस्कार, सूचनाई न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पढ़ना चाहूँ। अगर ये शख्स कोई बड़ा नेता या सरकारी कर्मचारी या कोई अफसर होता तो शायद यकीन करना थोड़ा आसान होता, क्योंकि हाल फिलहाल में झारखंड से ऐसी खबर सुनने को मिल चुकी है। मगर जब किसी ऐसे शख्स के घर से इतनी नकद राशि बरामद हो तो सवाल उठने के साथ साथ हर किसी के नजर में आना बेहद लाजमी हो जाता है। दरअसल बीते वर्ष 22 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर में कमीशन घोटाले और घुसखोरी को लेकर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वीरेंद्र राम के करीबियों के ठिकाने पर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी सिलसिले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर भी ईडी ने तलाशी की। नौकर जहांगीर के घर अधिकारियों को इतना कैश मिला कि वे भी देखकर दंग रह गए। जानकारी के मुताबिक ये रकम 20 से 30 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के अग्रणी नेता आलमगीर के पीएस के पास से कैश बरामदगी पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर ईडी की कार्रवाई और कैश का वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा, 30 करोड़ से ज्यादा कैश, काउंटिंग जारी है, भ्रष्टाचार, शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के खिलाफ कार्रवाई। ये है प्रदीप यादव की पार्टी। प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज।